तो गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको ना बहुत ही इजी मेथड में ना एक आयरन फार्म बनाना बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर ना आपको अनलिमिटेड आयरन मिलने वाला है। तो आपको ना पर आवर में ना यहाँ पर 1200 आयरन इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइस आपको इस आयरन फार्म को बनाने के लिए ना आपको जो टूल्स की जरूरत है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ना कोई ओपन वाले एरिया पर आ जाना है, फ्लैट वाले थोड़े से। तो गाइस उसके बाद आपको ना यहाँ से ना 5 ब्लॉक लेने हैं। तो 5 ब्लॉक आपको कुछ इस एंगल से ले लेने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर 7 ब्लॉक आगे जाना है। तो जो एरिया आपको बनाना है गाइस वो 5x7 का एरिया बनाना है। तो मैं फटाफट से ना यहाँ पर 5x7 का एक एरिया बना लेता हूँ। आपको भी 5x7 का एरिया कवर कर लेना है और उसके बाद गाइस आपको 5 वाले एरिया से ना बीच वाला ब्लॉक तोड़ देना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। और ये जो एरिया है वो 5x7 का एरिया है। तो इसके बाद गाइस आपको ना इसके ऊपर ना एक और यहाँ पर लेयर लगानी है ब्लॉक की। तो आपको एक ब्लॉक और ऊपर जाना है इसके। तो मैं फटाफट से ना एक ब्लॉक और ऊपर चले जाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। अब गाइस आपको जहाँ से हमने ब्लॉक तोड़ा था ना इसके अपोजिट साइड पर आना है और यहाँ से आपको 3 बेड लगा देना है, ठीक है। तो 3 बेड लगाने के बाद गाइस आपको कोई भी टेम्प्रेरी ब्लॉक लेना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर ट्रैप डोर लगा देना है और उसके बाद आपको इस ब्लॉक को तोड़ देना है। अब गाइस आपको यहाँ पर ना आपको स्लैब लगा देनी है 2, ठीक है। अब इसके ऊपर आके आपको 2 टॉर्च लगानी है इसके इधर उधर, ठीक है, और एक अपोजिट में लगा देना इसके। अब इसके बाद गाइस आपको ना यहाँ पर ना एक और लेयर लगानी है ब्लॉक की। तो आपको ना एक और यहाँ पर ब्लॉक को लगा देना, कुछ इस तरह से आपको पूरा कवर कर देना है। तो फटाफट से ना गाइस आपको देखो पहले इस वाली जगह पर ना आपको यहाँ पर ना इस वाली 3 जगह पर आपको ब्लॉक कवर करना है, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे जो विलेजर होंगे ना गाइस यहाँ पर आएंगे तो आपको ना यहाँ पर 4 ब्लॉक लगाने हैं बिल्कुल, और यहाँ पर ना बीच वाला पोर्शन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच वाले पोर्शन में हम स्लैब लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ना 4 स्लैब लगानी है कुछ इस तरह से। तो आपको कवर कर देना, ठीक है, यहाँ पर आपको विलेजर को पूरा कवर करना है क्योंकि हम विलेजर को लेके आएंगे ना। तो आपको 4 स्लैब इस तरह से लगा देनी है। अब स्लैब के ऊपर आके ना गाइस आपको क्या करना, लीव लेनी है और लीव को ना यहाँ पर ना ब्लॉक के ऊपर लगा देना जहाँ पर हमने 3 ब्लॉक लगाए थे ना कवर करने के लिए। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 लगा देनी है लीव। तो गाइस हमारा ये वाला काम टोटली हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। ये काम होने के बाद गाइस आपको देखो कुछ इस तरह से एंगल दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो गाइस आपको इसके पीछे वाले अपोजिट में आना है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से आपको ना 5 ब्लॉक लेना है। तो 5 ब्लॉक लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। गाइस 5 ब्लॉक लेने के बाद ना आपको इसके साइड पर आना और यहाँ से आपको 8 ब्लॉक लेना है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 8 ब्लॉक लेने के बाद गाइस आपको ना इस साइड पे आना वापस, ठीक है। 8 ब्लॉक ले लोगे ना इस तरह से, तो यहाँ से आपको 10 ब्लॉक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो 10 ले लेना गाइस आपको कुछ इस तरह से, 10 ब्लॉक लेने हैं यहाँ से। तो इसके साइड पे भी आके ना आपको यहाँ से पहले 8 ब्लॉक ले लेना है। तो मैं फटाफट से 8 ब्लॉक लगा देता हूँ और उसके बाद ना आपको 8 ब्लॉक लेने के बाद आपको यहाँ से 10 ब्लॉक आगे ले लेना है, ठीक है। अब गाइस आपको ना इसको इक्वल कर देना है, यहाँ पर आपको मैं ना इसको इक्वल कर देता हूँ। तो गाइस जो डायमेंशन एरिया है ना यहाँ पर आप देख सकते हो 21x11 का एरिया बनेगा, 21x11 का एरिया कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बीच वाले पोर्शन पर आना है और यहाँ से ना आपको 3 ब्लॉक तोड़ देना है 20 से, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस सेंटर से ना बिल्कुल 3 ब्लॉक तोड़ने हैं और 3 ब्लॉक तोड़ने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ना सामने की तरफ से ना सारे ब्लॉक को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर करने के बाद गाइस आपको ये वाला ब्लॉक तोड़ना सामने, ठीक है, 2 ब्लॉक तोड़ देना और 2x2 का ना आगे की तरफ ना ब्लॉक बना लेना, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब गाइस आपको लेनी है चेस्ट और चेस्ट को ना आपको इस जगह पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बिग चेस्ट बना लेनी है कुछ इस तरह से, 2-2 चेस्ट लगा के ना आपको कुछ इस तरह से ना 3 चेस्ट यहाँ पर बिग बना लेनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब गाइस ये वाला काम भी हो जाएगा। अब आपको ना ये वाले ब्लॉक तोड़ के ना यहाँ पर हॉपर कनेक्ट कर देना है। इन तीनों चेस्टों में ना आपको 3 हॉपर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से ना यहाँ पर हॉपर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 हॉपर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना। अब उसके बाद गाइस आपको लेना है ग्लास और ग्लास को इसको ना यहाँ पर तीनों जगह पे आपको नीचे की साइड पे लगा देना है, ठीक है। तो तीनों जगह पे लगाने के बाद गाइस आपको इसके ऊपर आना है और यहाँ से ना आपको यहाँ पर ना वापस से ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर देना है, 3 ब्लॉक, ठीक है। तो 3 ब्लॉक लगा दोगे। अब गाइस आपको साइन बोर्ड लेना है, साइन बोर्ड को लेके ना आपको कुछ इस एंगल पर लगाना है, ठीक है, और कुछ इस एंगल पे लगाना है। अब इसके बाद क्राउच करके ना आपको यहाँ पर ग्लास के ऊपर लगा देना है। अब उसके बाद एक ब्लॉक लगाना कोई भी, ठीक है, टेम्प्रेरी लगा लेना आप। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है फेंस गेट और फेंस गेट को लगा के इस ब्लॉक को तोड़ देना है और ओपन कर देना है फेंस गेट। उसके बाद गाइस आपको ना ऊपर आना है, ऊपर आके ना आपको यहाँ पर ना साइन बोर्ड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर क्राउच करके ना यहाँ पर कुछ इस एंगल से साइन बोर्ड लगा लेना, विदाउट क्राउच होके भी लगा सकते हो। अब गाइस ये वाला साइन बोर्ड लगने के बाद ना आपको लावा लेना और लावा को आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। अब आपको लेना वाटर और वाटर को लेके ना इस लाइन पे ना आपको 3x5 में 3 ब्लॉक पे ना यहाँ पर वाटर को डाल देना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पर ना जो हमारी जो वे होगी ना वो यहाँ पर ना आपको ऊपर के ऊपर चले जाएगी। अब गाइस आपको इस साइड पर भी एंगल पर आके ना यहाँ पर आपको हर ब्लॉक पर ना वाटर डालना स्टार्ट कर देना, जिससे यहाँ पर क्या होगा हमारी जो वाटर की वेव होगी ना वो उस एंगल पर चले जाएगी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना हमारा जो वेव जा रही है ना उस एंगल पर
जा रही, तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर अपोजिट साइड पे करना है। फटाफट से मैं इस एंगल पे भी कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपका ये पोस्चर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हो अब गाइस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आने के बाद ना आपको यहाँ पर एक और ब्लॉक लगाना है इनके ऊपर, ठीक है। तो आपको फटाफट से ना यहाँ पर एक ब्लॉक और ऊपर लगा देना है, तो यहाँ पर फटाफट से एक ब्लॉक लगा लेता हूँ। तो एक ब्लॉक लेयर लगाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ना स्लैब भी लगानी होगी इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको फटाफट से ना इनके ऊपर ना स्लैब भी लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसके ऊपर भी ना स्लैब लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्लैब लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्लैब लगाने के बाद ना आपको देखो क्या करना है, ये वाला पोस्चर हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसके साइड पे आना, ठीक है, इस वाले साइड पे आना जहाँ पर हमने लीव लगाई थी ना, मतलब विलेजर का यहाँ पर बनाया था। तो गाइस आपको यहाँ पर ना लीव लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे ये इस एरिया तक कवर कर लेना लीव को लगा के, ठीक है। अब गाइस इसके सामने आना है हाउस के, और यहाँ से ना आपको चार लीव लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखना चार लीव लेनी है ओनली। तो चार लीव लगानी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ना चार लीव लगा के ना पूरा एरिया कवर कर लेना है, ठीक है। और ये वाला पोस्चर में आपको यहाँ पर छोड़ देना है बस। और इसके बाद गाइस आपको यहाँ से ना आपको लीव लगानी है, और वापस से इन फटाफट से ना मैं इस एरिया को कवर कर लेता हूँ। तो आपको चार लीव लगा के इन एरिया को कवर कर लेना है, देखो कुछ इस तरह से एंगल दिखेगा। अब गाइस आपको सेम प्रोसेस क्या करना है, अब आपको उसके चारों साइड पर वही चीज़ बनानी है। तो देखो गाइस मैं आपको ना इसके साइड पर आता हूँ पहले, ठीक है, और इसके साइड पर मैं फटाफट से वही प्रोसेस करता हूँ। 5 ब्लॉक लगाता हूँ, ठीक है। 5 ब्लॉक लगाने के बाद 5x7 का एरिया बनाऊंगा, ठीक है। तो 5x7 का एरिया बना के गाइस आपको भी कुछ इस तरह से बना लेना है, और मैं यहाँ पर फटाफट से वही चीज़ कर लेता हूँ, 5x7 का एरिया बनाऊंगा। तो गाइस हमें ना वही प्रोसेस करना है जैसे हमने वहाँ पर बनाया था ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी वही चीज़ बनानी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से वही चीज़ बना लेता हूँ, और यहाँ पर फटाफट से 3 बेड लगा लेता हूँ। 3 बेड लगाने के बाद आपको यहाँ पर टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाना है, ट्रैप डोर लगाना, फिर 2 स्लैब और 2 टॉर्च लगा देना, और उसके बाद वापस से इस ब्लॉक को आपको कवर कर देना है। ब्लॉक को कवर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ना स्लैब लेनी है, और स्लैब से भी आपको इसको कवर कर देना। सेम वही प्रोसेस करना है गाइस, आपको यहाँ पर 4 स्लैब लगानी है ऊपर से, जहाँ पर विलेजर के ऊपर है घर को ढक देना, स्लैब लगा के। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आकर लीव लगा देनी, फटाफट से लीव लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये वाला काम भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस आपको मैंने आपको बताया ना, आपको चारों जगह पर यही काम करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका एंगल दिखेगा। तो यहाँ पर देखो 2 साइड पर मेरा हो गया। अब गाइस तीसरे वाली साइड पर आप देख लो, क्योंकि ना आपको यहाँ पर जो चेस्ट है ना, उस जगह से आपको यहाँ पर ब्लॉक नहीं लगाने, आपको उस चेस्ट वाले एंगल को छोड़ के ना यहाँ पर 5 ब्लॉक लगा देना कुछ इस तरह से, और वापस से वही सेम प्रोसेस करना है, 5x7 का ब्लॉक बनाना है, वापस से आपको यहाँ पर 3 बेड लगाने और वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं फटाफट से 5x7 का ब्लॉक बनाता हूँ, और गाइस देखो मैंने पीछे वाला जो एंगल है ना चेस्ट वाला, यहाँ पर देख सकते हो वो छोड़ दिया। तो आपको भी कुछ छोड़ देना, और वापस से आपको ना जैसे हमने पीछे बनाया था ना, वापस से वही प्रोसेस करके ना आपको 3 बेड लगा के, ट्रैप डोर लगा के, 2 स्लैब लगा के ना यहाँ पर 2 टॉर्च लगा के, फटाफट से स्लैब लगा के और लीव लगा के कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ये वाला एंगल भी कवर कर दिया, ठीक है। अब गाइस आपको ना इसके चौथी साइड पर आना, वापस से वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको 5x7 का एरिया, 3 बेड, और यहाँ पर 2 स्लैब लगा के फटाफट से लीव लगा के कवर कर देना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा टोटली यह सारा काम हो चुका है। अब गाइस आपको ना वही प्रोसेस करना है, देखो मैंने आपको बताया था ना चार लीव लगाने हैं, यहाँ से हर हाउसेस के घर के आगे ना आपको चार लीव लगा के इसको कवर करना है। तो यहाँ पर फटाफट से ना हम यहाँ पर इसके साइड साइड से भी लीव लगा देते हैं, और इनको ना इक्वल कर देते हैं। देखो गाइस आपको इस तरह से इक्वल करना है। अब मैं इसके साइड पर भी जाता हूँ यहाँ पर इस वाले हाउसेस से, और इस हाउसेस के ना देखो गाइस आपको पहले इधर आना चेस्ट वाले पे। क्या करना है आपको, यहाँ पर ना आपको चेस्ट के ऊपर लीव लगा देना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपको चेस्ट के ऊपर लीव लगाना, बाकी आपको इस एरिया को पूरा कवर करना, 4x4 का लीव लगाने कुछ इस तरह से हर हाउसेस के घर के पास, और इन सारे एरिया को आपको यहाँ पर ना कवर कर देना। तो देखो गाइस मैंने 4x4 लीव लगाई, अब आपको मैं ना इसको इक्वल करके दिखाऊंगा। तो आपको इक्वल कर देना, जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था ना वैसे सेम करना है, ठीक है। 4x4 की लीव लगा के आपको इन सारी चीज़ों को इक्वल कर देना फटाफट से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ना इन चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने 4x4 की लीव लगाई कुछ इस तरह से, बार बार आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से ना इन चीज़ों को यहाँ पर फुल फिल कर देता हूँ, और आपको बताता हूँ देखो गाइस किस तरह से एंगल दिखेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने पूरा 4x4 का एंगल बनाया, और देखो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है। अब मैं गाइस यहाँ पर ना फाइनली इसको पूरा भर देता हूँ, ना तो यहाँ पर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो फटाफट से इसको भरता हूँ गाइस, हमारा ये वाला काम भी हो गया, हमारा यहाँ पर टोटली काम हो गया। अब पूरा हमारा फार्म रेडी हो गया। अब आपको लेके आना है विलेजर, तो आप बोर्ड से विलेजर को लेके आ सकते हो, और यहाँ पर बोर्ड को तोड़ देना, ऑटोमेटिकली ये बेड के ऊपर ना लेटने चले जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर जा रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको अंदर आना, देखो यहाँ पर आपको ट्रैप डोर खोल देना पहले से, जिससे विलेजर अंदर चले जाए, ठीक है। उसके बाद आपको उसको बंद कर देना, और उसके बाद आपको लास्ट क्या काम करना है, यहाँ पर आग लगानी है बोर्ड इस एंगल पे। तो आपको गाइस यहाँ पर ना चारों साइड पे यही काम करना है, विलेजर को लेके आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बोर्ड को लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ना मैं क्रिएटिव में हूँ ना, मैं 3 विलेजर स्पॉन करता हूँ, और बोर्ड को फटाफट से लगा देता हूँ चारों जगह पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना विलेजर को लेकर आ जाना, मैं बोर्ड लगा रहा हूँ फटाफट से। और देखो गाइस आपको उसके बाद क्या करना है, बोर्ड लगाने के बाद हम इसलिए लगा रहे हैं, ज़ॉम्बी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके बैठ जाएगा ना। तो आप देखो जैसे आ गया, उसके बाद आपको ना इनको कवर कर देना, जैसे ज़ॉम्बी आए आपको यहाँ पर ना इसको कवर करके बंद कर देना।
और जैसे आप ये चारों जगह पे करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपके ना आयरन गोलम यहाँ पर स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये ना अब तक का बिगेस्ट फार्म मुझे अच्छा लगा, और गाइस यहाँ पर ना ये फास्टेस्ट है, मतलब कि आपको ना हर मिनट में यहाँ पर ना 4 आयरन गोलम स्पॉन होंगे और अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। तो मैं आपको लूट, अगर हम लूट की बात करें तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा लीव वाला, और यहाँ पर देख सकते हो हर चेस्ट में आपको यहाँ पर वापस लगा देना और इजीली आप इसको देख पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपको कुछ इस तरह से तीनों चेस्ट में चेक करना, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपका आयरन इकट्ठा मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप अच्छा खासा इजी मेथड में आयरन फार्म बना सकते हो विदाउट नीचे माइनिंग करके। तो यहाँ पर आपको मैंने इस वाले एंगल से बताया, बस आपको लीव लगानी ज़्यादा पड़ती है। तो यार बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।